बलि जो था वो दान करने में धर्म करने में लाला बहुत आगे था। उनके दरवाजे पर जो भी पहुंच गया वो कभी खाली हाथ नहीं आया। एक दिन की बात है, 99 अश्वमेध यज्ञ बलि ने पूर्ण कर लिए थे, सौम्य यज्ञ की बारियां हो रही थी। सौम्य यज्ञ जो है करने के लिए जा रहा था वो बलि, लेकिन प्यारे भक्तों याद रखना, सौम्य यज्ञ की तैयारियां हो रही थी लेकिन देवराज इंद्र जो है उनका सिंहासन हिलने लगा। बा भाई बा, देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और इंद्र जो है वो भागते 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 भगवान नारायण के पास में आ गए। नारायण भगवान ने जैसे ही इंद्र को आते हुए देखा, बोले इंद्र कहो आज तुम बड़े हाँ पर आए हो, चेहरे पर कोमलताएं की लकीरें हैं, क्या कोई मुसीबत है? इंद्र बोले भगवान जी क्या हुआ? अरे हुआ क्या, हमारे इंद्रासन की रक्षा करो। मतलब ये है वो बलि सौम्य यज्ञ पूर्ण करने के लिए जा रहा है और अगर उसने यज्ञ पूर्ण कर लिया तो हमारे इंद्रासन को छीन लेगा। भगवान नारायण बोले तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, कोई भजन करे उसे भजन भी नहीं करने देते हो, कोई तपस्या करे उसे तपस्या भी नहीं करने देते हो, भागते हुए मेरे पास में चले आते हो, हम क्या करें? इंद्र बोले भगवान जी हमारी गद्दी बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मतलब ये है वो बलि सौम्य यज्ञ पूर्ण करने के लिए जा रहा है। भगवान कहने लगे देखो इंद्र, धर्म के नाम पर जो आगे बढ़ता है उसे मौत मंजूर है लेकिन सर झुकाना मंजूर नहीं है। सत्य है मेरे प्यारे, जो लोग धर्म कर्म में आगे बढ़ते हैं उन्हें मौत मंजूर है लेकिन धर्म को छोड़ना मंजूर नहीं है। इंद्र बोले भगवान जी हमारी गद्दी बचा लो, जलन की भावना तो भैया पहले से ही चली आई है। पहले जब कोई देवता यज्ञ किया करता था तो दूसरा देवता उसके पीछे पड़ जाता था, आज भी किसी ने मेहनत मजदूरी करके दो पैसा इकट्ठे कर लिए तो पड़ोसी जरा मारा जा रहा है, अपने दुख से दुखी नहीं है दूसरे के सुख से बड़ा दुखी है। हाँ तो मेरा मतलब है मेरी बहनाओं मेरे भाइयों, भगवान श्री हर नारायण के चरणों को पकड़ लिया और कहा प्रभु हमारे इंद्रासन की रक्षा करो। तो भगवान कहने लगे देखो इंद्र, अगर आप आए हो तो हम जाएंगे जरूर, क्षमा चाहेंगे, लेकिन बलि जो है वो धर्म करने में दान करने में बहुत आगे। इंद्र चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदलती जाएगी। नारायण भगवान बोले इंद्र आप आए हो तो हम जाएंगे जरूर, चाल चली गई तो चाल बदल देंगे वरना माफ कर देना माफ कर देना। बोले भगवान कहने लगे इंद्र माफ करना माफ करना, मुझसे जितना संभव होगा मैं दोनों ही पढ़ पालूंगा, सरलोक बचाने के बदले तू सारा लोक डालूंगा।
जाएंगे जरूर। अगर चाल चल गई तो चाल बदल देंगे, वरना हमें माफ कर देना। हम बलि की परीक्षा जरूर लेंगे कि बलि धर्म कर्म में कितना आगे है। मेरे प्यारे, भगवान नारायण जो है इंद्र की बात सुनकर के बलि की परीक्षा करने के लिए तैयार हो गए। अब भगवान ने विचार किया कि अगर हम ऐसे ही जा रहे हैं तो कहीं बलि हमें पहचान ना ले। परीक्षा दी तो भगवान ने विचार किया है कि मैं अपना स्वरूप बदलता हूं। भगवान महाराज जी महात्मा बन गए, 52 अंगुल का स्वरूप धारण किया और महात्मा बन करके परीक्षा जी चलने को तैयार हुए। क्षमा चाहेंगे, भगवान के शरीर के ऊपर भेषभूषा संतों की है, संत बन गए। भेषभूषा क्या बनाया भगवान ने, तो जरा गौर करते हैं। कवियों की कल्पना है कि भगवान ने भेषभूषा क्या बनाया। लाला कि तन परी वो पीतांबर न रहा, पीतांबर के बदले छोटा सा पीला कंबल है। भगवान बलि की परीक्षा करने के लिए महात्मा बन गए। बा भाई बा, कंबल के बदले, पीतांबर के बदले एक पीला कंबल है। बा भाई बा, ध्यान दें। भगवान श्री हर नारायण ने 52 अंगुल का स्वरूप बनाया और शंख चक्र गधा पद्म के बदले हाथ में दंड कमंडल ले लिया और महात्मा बनकर के परीक्षित जी भगवान जो थे वो बलि के दरवाजे पर जाके पहुंच गए। जैसे ही पहरेदार ने देखा 52 भगवान को, एकदम से पास में आए। महात्मा जी, आप बड़े सुंदर महात्मा लग रहे हो और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। 52 भगवान बोले, हम सेवा तुमसे थोड़ी न कराने आए। मतलब सेवा इतनी करो, अपने महाराज से जाकर के ये कह दो कि दरवाजे पर एक संत तुम्हारे हाथ का दान चाहते हैं। खड़े खड़े मौके की ओर क्या देख रहे हो, जा। बा भाई बा, पहरेदार भाग पड़ा, बलि के पास में जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भगवान दरवाजे पर एक बहुत छोटे महात्मा आए हैं, अब वो आपके हाथ का कुछ दान चाहते हैं। बलि भाग पड़े, 52 भगवान के पास में आए हैं तो परीक्षित जी दंडवत प्रणाम किया है 52 भगवान को। बलि ने, आइए महात्मा जी आइए।
ओम नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्व साधवा प्राणायाम पारंगता। आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आप जैसे संत के दर्शन हो गए। क्या इच्छा लेके आए बावन भगवान बोले देखो बलि इतनी दूर से हमें तुम्हारा नाम यहां पर खींच के ले आया है। कहना क्या चाहते हो? कहना हम ये चाहते हैं हमारे दरवाजे पर जो आ गया वो कभी विमुख नहीं गया। मौकी और क्या देख रहे हो? दिल खोल के मांगो। बावन भगवान बोले हमने मांगा तुमने ना दिया तो। बलि बोले कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने मांगा हमने ना दिया, क्यों नहीं दिया? तुम दिल खोल के मांगो। बावन भगवान बोले हम ऐसे थोड़े ही ना मांगेंगे। कैसे मांगोगे? बोले अपने गुरु की सौगंध खा जाओ, तिरवाचा भर जाओ। हमने मांगा तुमने मना कर दिया तो मैं तो मर जाऊंगा। तिरवाचा भरो, गुरु की सौगंध खा। बलि कहने लगे महात्मा जी लगता है तुम ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे। बावन भगवान बोले मैं जानता हूं दुनिया में कितने बड़े बात वाले लोग हैं, छोटी छोटी बात के पीछे लोग बदल जाते हैं। बलि बोले माफ करना महात्मा जी, ऐसा वैसा राजा नहीं है, जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। बोले ऐसे नहीं मांगेंगे, त्रिवाचा भरो गुरु शुक्राचार्य की कसम खाओ। बोले ठीक है, त्रिवाचा भर रहे। तो बावन भगवान के सामने बलि ने त्रिवाचा भरा है। वाह भाई वाह, गुरु जी सौगंध गुरु की हम खाई रहे आए नहीं पीछे कदम हटा। महात्मा जी दिल खोल के मांगो, कोई ऐसा वैसा राजा समझ रखा है क्या? गुरु शुक्राचार्य की मैं कसम खा रहा हूं, जो आप मांगोगे। सुनो ना सुनो, जो मांगोगे पही दूंगा पही दूंगा पही दूंगा। बावन भगवान बोले बहुत बढ़िया बात, जैसा आपका नाम और वैसे ही आप निकल रहे हो। तुम्हारा नाम हमें बहुत दूर से यहां पर खींच के ले आया था कि बलि दान करने में बहुत आगे। बलि बोले महात्मा जी आप जैसे संतों की कृपा है जो हमें सिंहासन प्राप्त हुआ है, क्योंकि समान चाहे तो समाज में जीने के लायक न छोड़े और समान चाहे तो सिंहासन पर बैठा रहे। मांग लो महात्मा जी जो आप चाहते हो, वो दिल खोल के मांगो। बावन भगवान बोले देखो ओ बलि, हमें किसी धन दौलत की जरूरत नहीं है, न तुम्हारे महल की जरूरत है, न तुम्हारे सोना चांदी की जरूरत है। अगर देना है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
बलि बोले मांगो, दिल खोल के मांगो। तो बावन भगवान बोले सुनो बलि, नहीं मार रहे हो तो मैं मांग रहा हूं, सुनो। कि बावन बोले चाहिए नहीं, धन दौलत तेरी और रकम, यदि देनी है तो दे राजा, मोए पथ भी साढ़े तीन कदम। महात्मा जी क्या मांगा तुमने? बावन भगवान बोले मुझे साढ़े तीन कदम पृथ्वी की जरूरत है, मौ की ओर क्या देख रहे हो, और तुम्हारे धन दौलत की जरूरत भी है। बोले इतना नाटक करवाए मांगी, तुम पृथ्वी साढ़े तीन कदम। महाराज बावन भगवान बोले हमें साढ़े तीन कदम पृथ्वी की जरूरत है। बलि कहने लगे महात्मा जी कैसी बातें कर रहे हो, सुबह से गुरु की सौगंध तिरवाचा भर जाओ, फिर तुमने मांगा तो साढ़े तीन कदम पृथ्वी मांगी, कैसे महाराज जी हो तुम, तो कुछ और मांग लेते। बावन भगवान कहने लगे साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना, और जो धन को भूखो फिर वो साधु, माफ करना हम छोटे महात्मा है और साढ़े तीन कदम पृथ्वी में हमारा गुजारा हो जाएगा, हमें क्या मतलब। बावन भगवान ने जब ये कहा तो बलि बोले महात्मा जी दरबार लगा हुआ है और आपने ये मांगा तो मांगा क्या। महात्मा जी मेरी बात समझना, ए इधर देखो कि शर्म लग रही, कछुआर मांग लेते शर्म। सुनो मुझे देने में साढ़े तीन कदम पृथ्वी बहुत शर्म आएगी, सुन रहे हो, कुछ और मांग लो। शर्म लग रही कछु और मांग लेते शर्म। तुम्हारे पास में कोई साधन नहीं है कहीं चले जाओ, इसीलिए हम तुम्हें एक चीज और देना चाहते हैं। हाथी मांगो ये घोड़ा मांगो, हाथी मांगो घोड़ा मांगो। बाबा जी सोना मांगा चांदी मांगा।
चांदी मांगो हीरा मोती जवाहर सोना चांदी दौलत से भरा भंडार और कुछ मांग लो। महात्मा जी बोले देखो बली, नहीं मांगेंगे ये कामयाब नहीं। देखो बली हमें और कुछ नहीं चाहिए, साढ़े तीन कदम पृथ्वी की जरूरत है। हां करो तो ठीक है, नहीं तो मना कर दो, हम किसी दूसरे दरवाजे से मांग लेंगे। बली कहने लगे माफ करना महात्मा जी, साढ़े तीन कदम पृथ्वी की जरूरत है तो मैं देने को तैयार हूं। नाप लो। भावन भगवान बोले ऐसे थोड़े ही ना नापेंगे। कैसे नापोगे महाराज? संकल्प करो जल भर के ला। तो बावन भगवान के कहने पर बली भागते हुए घर में रहे सो पानी सागर में ले आई। संकल्प होने के लिए चला। परीक्षित जी शुक्राचार्य जी भागे, मेरे चेला की गाड़ी गड्ढा में गई। शुक्राचार्य जी आकर के एकदम से बली के दरवाजे पर प्रकट हो गए। ए बली, गुरुजी इधर आ, इधर आ। गुरुजी तुम क्यों आए? शुक्राचार्य जी बोले हमें ये बता, इन्हें पहचाना? गुरुजी पहचान लिया, महात्मा है, महात्मा है। शुक्राचार्य जी बोले महात्मा नहीं है, महात्मा के भेष में परमात्मा है, और जरा भी भूल कर गए तो आत्मा खींच के उस तरफ फेंक देगा, समझ गए? क्या कहा गुरुजी? हाँ सही कहा, छलिया छलिया। क्यों रे, यहां भी आ गए? भेष बदलने में बहुत आ गए। कोई पता नहीं है तुम्हारे दरवाजे पर कब कहां पहुंच जाए। गुरुजी हाँ हाँ, माफ करना, चाहे महात्मा हो चाहे परमात्मा हो चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो, हमारे दरवाजे पर आए हैं इसीलिए मेहमान के समान है। शुक्राचार्य जी बोले हमें एक बात बता, इसने कुछ मांग तो नहीं दिया? गुरुजी हाँ हाँ, कुछ नहीं मांगा। अरे कुछ तो मांगा होगा। बोले गुरुजी साढ़े तीन कदम पृथ्वी मांगी बस। शुक्राचार्य जी बोले मना कर दे, मना कर दे, और ये कह दे कि मैं सुई के नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। गुरुजी हाँ हाँ, मना तो हम नहीं कर पाएंगे। बोले मना कर दे नहीं तो तू मर जाएगा। बली बोले अब चाहे मरे चाहे जिंदा रहे, अब जो कह दिया वो कह दिया। शुक्राचार्य जी बोले मना कर दे, ओरे बली बली यो राजा। ए ओ राजा, हुर्मत करू दान जमी को राजा। तुम्हारी गाड़ी गड्ढे में जा रही है, जा रही है बेटा। मेरी बात सुनो, ए ओ राजा, अरे राजा मत करो दान जमी को राजा।
नहीं देंगे और इसको दरवाजे से भगा दो। ये कह दो कि सुई के नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। ये बात बड़ा छलिया है रे, सुन इसकी कहानी तो हमें पता है। सुनो जाई छलिया ने भसमा सुर मारो, भसमा सुर जैसे योद्धा को इसी ने तो मार दिया था गुरुजी। हाँ से कह दे कि मैं सुई के नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा और चेला होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूं, वरना हुए मर जाओ हमें कोई मतलब नहीं है, समझ गए गुरुजी। हाँ हाँ देखो गुरुजी, तुम नाराज हो या खुशी हो, मैंने जो वचन कह दिया वो कह दिया, अब हम मना तो नहीं कर पाएंगे। शुक्राचार्य जी बोले चलो चेला है, मना नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, हम संकल्प ही नहीं होने देंगे। संकल्प होने के लिए चला, जल छोड़ा गया तो शुक्राचार्य जी छोटो सो रूप बना के भाई सागर की टोटी में घुसे गए। बा भाई बा, जल ही नहीं निकल रहा है। भगवान बोले बलि, महात्मा जी क्या पानी भर के नहीं लाए? पानी भर के लाए थे, साफ करके लाए थे, फिर जल काय को नहीं निकलना? बोले माफ करना हमें नहीं मालूम। भगवान बोले ये पात्र मुझे दे दो। भगवान ने पात्र अपने हाथ में ले दिया। भगवान ने देखा उसमें तो बलि जो पात्र भर के लाया था उसमें शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप बना करके घुसे बैठे। भगवान बोले तुम बैठो, हम तुम्हारा इंतजाम कर रहे हैं। हाँ भगवान ने उठा ली नौ कुश की नोक उठा करके उसी टोटी में डालने के लिए चले। और एक हफ से शुक्राचार्य जी देख रहे थे, उन्हें कहा मालूम हुआ बाजार बंद हो जाए रहो। आहा प्यारे भक्तों हुआ ये